तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। कहीं जवान और गदर 2 के चक्कर में आप डायनासोर को तो नहीं भूल गए? भाई साहब डायनासोर शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर है, और फटने वाला है, और इतना सॉलिड फटने वाला है, सिस्टम क्रैश हो जाएगा। जहां दोस्तों सालार का ट्रेलर आपको कुछ ही टाइम बाद देखने को मिलने वाला है। भाई साहब प्रवास बहुत लंबे समय से कमबैक के लिए बैठा पड़ा है और भर के बैठा पड़ा है, और सालार नुमा बॉम्ब के रूप में ये बंदा इस बार इतनी बुरी तरीके से फटने वाला है जिसका मलबा बाहुबली जैसी फिल्में भी ना समेट पाएंगी। मीन्स आफ्टर बाहुबली 2 भास की जितनी भी फिल्में आई हैं एवरेज ग्रोथ करके गई हैं, एवरेज बॉक्स ऑफिस में कमाई करके गई हैं, और रिसेंटली आदि पुरुष तो डिसास्टर गई है, एवरीवन नोज। तो प्रभास के जो सच्चे वाले फैन हैं, जो इतने लंबे समय से वेट कर रहे हैं, इतने डाउनफॉल्स देखने को मिले उनको, लेकिन उनको वाकई में पहले तो गुड सरप्राइजेस है सलार के रूप में, और प्रभास जो भयंकर फटने वाला है सच में, जैसा हम उसे कह रहे हैं डायनासोर, ही विल प्रूव इट कि ही इज द डायनासोर नाउ। वाकई में दोस्तों ब्लास्टर होने वाला है, भयंकर ब्लास्टर होने वाला है। दूसरा ये कि सितंबर में जो बॉम्ब फटने वाला है, सिर्फ एक नहीं दो बॉम्ब फटने वाले हैं। पहला एसआर के नुमा बॉम्ब जो जवान के रूप में आएगा, और दूसरा सलार के रूप में प्रभास का जो बॉम्ब फटने वाला है, जिसकी शुरुआत कल से हो जाएगी। शानदार धमाकेदार सितंबर की शुरुआत कल एंड ऑफ अगस्त से हो जाएगी, क्योंकि कल 31 अगस्त को ट्रेलर आ जाना है जवान का, और 7 सितंबर को तो बिग ब्लास्टर वेट कर ही रहा है, जवान रिलीज होने वाली है, और 28 सितंबर को सलार रिलीज होने वाली है। भाई साहब ऐतिहासिक सितंबर रहने वाला है ये साल, इस बार का, आगे आने वाले कई टाइम में भी और अभी भी। बाय गॉड ऐसा सीन लग रहा है जैसा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम नहीं हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी में दो एटॉमिक बॉम्ब मारे गए थे और भयंकर तरीके से मारे गए थे, जनता बिल्कुल तैयार नहीं थी। सेम इस टाइम पर भी जनता बिल्कुल तैयार नहीं है, जितना लोग कह रहे हैं ना कि हम तैयार हैं, बिल्कुल नहीं तैयार हैं। ये चीज़ ये डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। दो बेस्ट मूवी आएंगी और निकल जाएंगी, इतना धमाकेदार बॉक्स ऑफिस सिनेरियो देखने को मिलेगा, इतनी सुनामी आ जाएगी, इतनी कमाई होने वाली है। जी दोस्तों जवान का ट्रेलर तो कल आज जाना है, तो सालार का कब आना है इसका जवाब लेकर आया हूं। देखो सालार के मेकर दो डेट को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं, पहला 4 सितंबर को लेकर और दूसरा 7 सितंबर को लेकर। या तो 1-on-1 की लड़ाई लड़ लो, या फिर तरबूज रूपी पब्लिक जो मिल रही है इसे मिल बांट कर खा लो। मीन्स कल जवान का ट्रेलर आएगा तो 4 सितंबर को अगर सालार का ट्रेलर आता है अगर, तो जवान की थोड़ी सी पॉपुलैरिटी में इफेक्ट डालेगा, और ऑटोमेटिक जवान वर्सेस सालार का सिनेरियो हमें देखने को मिल जाएगा। अगर 7 सितंबर को रिलीज होता है, सीधा जवान का ट्रेलर रिलीज होता है 7 सितंबर को, सॉरी जवान का नहीं सालार का, अगर 7 सितंबर को सालार का ट्रेलर रिलीज होना है, जब जवान मूवी 7 को रिलीज होगी इसके साथ, तो ये कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा बड़ी स्क्रीन्स पर। जो ट्रेलर चलेगा एक बार बड़ी स्क्रीन्स पर ट्रेलर चलाया जाएगा मूवी से पहले, और जितनी बार भी मूवी को चलाया जाएगा ये ट्रेलर उतनी बार चलाया जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक इसका काउंटिंग बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक इसको एक पब्लिसिटी मिल जाएगी अच्छी खासी। तो जब भी मूवी चलेगी ट्रेलर भी काउंट होगा, तो ये सब चीज़ें एक दो दिन के अंदर पता लग जानी है क्लियरली, डोंट वरी। लेकिन 7 सितंबर से पहले ही हमको द डायनासोर प्रभास की सालार का ट्रेलर मिल जाएगा डेफिनेटली। इसी के साथ ट्रेलर का ड्यूरेशन अगर बताऊं तो आपको ये धमाकेदार ट्रेलर 157 सेकंड का देखने को मिलने वाला है, बोले तो पूरे 2 मिनट 37 सेकंड का। और सबसे बड़ी अपडेट आज की ये है कि आपको ट्रेलर ही के अंदर यश की झलक देखने को मिलने वाली है, और यहाँ से ये कन्फर्म होता है कि यश का सॉलिड कैमियो हमें सालार के क्लाइमैक्स सीन में देखने को मिलने वाला है। आज तो मेरे पास ये खबर भी है कि कितने टाइम तक का ये क्लाइमैक्स रहेगा, मतलब कितने मिनट तक ये यश का कैमियो रहने वाला है मूवी में। भाई साहब पूरे 5 मिनट का ये कैमियो होने वाला है, और जो लेगेसी यश ने KGF से ख़त्म करी थी, शायद इस लेगेसी को प्रभास आगे बढ़ाते दिखेंगे। इसी के साथ एक सॉलिड प्रिडिक्शन ये भी आ रही है कि सालार का सेकंड पार्ट के लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इट मीन्स ये कि एंड ऑफ 2024 तक ये शायद सालार 2 भी आपको मिल जाएगी। तो भाई साहब शानदार सितंबर बस एक दिन की दूरी पर है, और बवाल मिलने वाला है ढेर सारा। इसी के साथ सालार के ट्रेलर के लिए आप लोग कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? जवान और सालार में बेस्ट ट्रेलर किसका होने वाला है? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर ये आप जरूर बता के जाएंगे। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए, और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।